हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 8 नवंबर 2021 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2022 के रिगार्डिंग, इसके साथ ही आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन, प्री ऑक्शन दोनों ही आईपीएल टीमों के रिगार्डिंग, इसके साथ ही भारतीय टीम जो कि टी20 वर्ल्ड कप से नॉकड आउट हो चुकी है उसके आफ्टर मैच रिएक्शंस के रिगार्डिंग भी 8 काफ़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग आईपीएल और क्रिकेट के बड़े फैंस हैं तो फिर आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो गाइस बिना किसी देरी के आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं और ये अपडेट निकल कर आती है राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से, जहां पर आरआर की साइड से एक बहुत ही बड़ी और शॉकिंग अपडेट निकल कर आ रही है संजू सैमसन के टीम से रिलीज होने को लेकर। और ये खबरें लगातार फैल रही हैं कि संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स की टीम के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते। वैसे हमने इस न्यूज़ को कवर नहीं किया था, लेकिन पॉसिबली आप लोगों ने शायद इस न्यूज़ को या तो बाकी किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर देखा हो या फिर आप लोगों को किसी सोर्स से पता चला हो। तो हमने इसके बारे में जब पता करने की कोशिश की तो अभी तक ऐसा हमें इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं मिली है। जो न्यूज सोर्सेज होते हैं उस पर हमने तो एटलीस्ट अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली, लेकिन संजू सैमसन आरआर से क्या रिलीज होने वाले हैं इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। केएल राहुल और अय्यर के बारे में अपडेट आ चुकी है, तो सैमसन के बारे में इस तरीके की कोई भी अपडेट नहीं है। अगर इस तरीके की कोई अपडेट हमें देखने को मिलती है तो आपको चैनल के ऊपर उसकी पूरी डिटेल्स पता चल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर, जहां पर कल जो भारतीय टीम की पूरी उम्मीदें थी वो अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच पर डिपेंडेंट थी और वहां पर अफगानिस्तान की हार हुई। तो ऐसे में ना सिर्फ अफगानिस्तान की टीम खुद बाहर हो गई बल्कि भारतीय टीम भी अब बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ग्रुप बी से क्वालिफाई कर गए प्लेऑफ्स के लिए, जहां पर अब जो हमें फिक्चर्स देखने को मिलेंगे वो होगा पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम भिड़ेगी न्यूजीलैंड से और उसके बाद आप लोगों को जो भी सेमीफाइनल के विनर्स होंगे उनके बीच में फाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा। तो भारतीय टीम के लिए एक और हार्ट ब्रेक हमें देखने को मिला, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि अगर आप अपने पहले दोनों ही मैच हार जाते हो तो फिर आप किसी और टीम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, खासकर जब वो टीम अफगानिस्तान जैसी हो कि वो न्यूजीलैंड को बीट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से, जहां पर सीएसके की टीम ने ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है, जहां पर सीएसके की टीम ने ऋतुराज गायकवाड़ के सीएसके की टीम में रिटेंशन को फाइनलाइज कर दिया है। गौरतलब है कि ऋतुराज गायकवाड़ जो कि आईपीएल में बहुत ही ज़्यादा कमाल की फॉर्म में थे, उन्होंने अपनी इस फॉर्म को अभी करेंटली भी बरकरार रखा है भारत के डोमेस्टिक सर्किट में, जहां पर हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ही फॉर्म में चल रहे हैं और इनकी एवरेज भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ऐसे में सीएसके के सीईओ ने बता दिया कि ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके के टीम से 100% रिटेन होंगे और ये बात हमें पहले भी कहीं ना कहीं पता थी कि सुरेश रैना के ऊपर सीएसके की टीम ऋतुराज गायकवाड़ को ही अपनी टीम में रिटेन करेगी। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है फैंस के जो उनका गुस्सा है वो अब हमें देखने को मिल रहा है बीसीसीआई के ऊपर, क्योंकि भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप से अभी अभी बाहर हुई है, फैंस उसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। लेकिन क्योंकि बीसीसीआई को साथ साथ आईपीएल को भी मैनेज करना है, आईपीएल से पहले बहुत सारी चीज़ें करवानी है, पहले उनको सभी 8 टीमों से रिटेन प्लेयर्स को लेना है, उसके बाद रिलीज प्लेयर्स को मिलाकर दोनों ही आईपीएल टीमों के लिए ड्राफ्ट बनाना है, उसके बाद दोनों ही आईपीएल टीमें अपने ड्राफ्ट में से 3-3 प्लेयर्स को पिक करेंगी, उसके बाद मेगा ऑक्शन होगा, उसके बाद कहीं जाकर आईपीएल होगा। तो ऐसे में बीसीसीआई को एक बहुत लंबा सर्कल पूरा करना है, लेकिन फैंस इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं है और फैंस तो आईपीएल को बॉयकॉट भी करना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं मेगा ऑक्शन और आईपीएल को कैंसिल किया जाए। और इसी चीज़ के रिगार्डिंग कल ट्विटर पर भी हमें देखने को मिला कि इन्होंने जो कुछ फैंस है, अब आप इनको फैंस तो नहीं कह सकते, क्योंकि फैंस अगर आप लोग हो तो आप गेम को गेम की तरह देखते हो, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं जाते हो। तो ट्विटर पर फैंस का कहना था कि वो जब मेगा ऑक्शन का वेन्यू होगा कोई पर, तो उस वेन्यू पर जाकर वो फिजिकली अटैक भी कर सकते हैं। तो खैर ये फैंस है नहीं, ये कुछ हेट फैलाने के लिए लोग आ जाते हैं, तो इनके बारे में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है सुरेश रैना की तरफ से, जहां पर सुरेश रैना को अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने करेंटली चल रही ट्रेड विंडो के लिए ट्रेड अवेलेबल कर दिया है, क्योंकि सीएसके की टीम इस बात को जानती है कि सुरेश रैना को तो अब किसी भी हालत में रिटेन नहीं
नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनकी पीक फॉर्म थी वो हमें एटलीस्ट लास्ट के दो सालों से तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आई है। और सीएसके की टीम ऑब्वियस सी बात है ऋतुराज गायकवाड़ को अगर ये रिटेन करते हैं तो फिर सुरेश रैना को ये रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में ये टीम चाहती है कि सुरेश रैना के बदले इनको थोड़े से अगर पहले ही पैसे मिल जाए तो अच्छी बात है। तो सुरेश रैना को इन्होंने ट्रेड विंडो में डाल दिया है। अब अगर किसी टीम को सुरेश रैना पसंद आते हैं तो वो टीम डायरेक्टली सुरेश रैना को अपनी टीम में ट्रेड कर सकती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए रैना को आप लोग कौन सी आईपीएल टीम से खेलते हुए देखना चाहोगे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से, जहां पर कायरन पोलार्ड को लेकर भी एमआई की टीम के सामने मेगा ऑक्शन के रिगार्डिंग एक बहुत अजीब चीज आखड़ी हुई है। और ये चीज ये है कि मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो ऑब्वियसली बात है अगर अपने चार प्लेयर्स को रिटेन करते हैं, जो कि वो करेंगे क्योंकि उनकी टीम ये डिजर्व करती है कि वो चार प्लेयर क्या चार से ज्यादा भी रिटेन करें, लेकिन क्योंकि चार प्लेयर्स की लिमिटेशन है तो एमआई की टीम मोस्ट प्रोबेबली रोहित शर्मा, उनके साथ ही जसप्रीत बुमराह और उनके साथ ही हार्दिक पांड्या को रिटेन करेगी, जिसका मतलब है कायरन पोलार्ड इनके फोर्थ नंबर पर रिटेन होंगे। और रिटेंशन रूल्स के हिसाब से पोलार्ड को सिर्फ 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। करेंटली पोलार्ड का जो प्राइस है वो 5.4 करोड़ है, तो उस हिसाब से तो इनको सेटिस्फाई रहना चाहिए इस प्राइस में, लेकिन क्योंकि वो कायरन पोलार्ड है तो करेंटली अगर आप लोग सोच सकते हैं वो मेगा ऑक्शन में आए तो कितनी बड़ी बिडिंग उनके ऊपर हो सकती है। तो ऐसे में कायरन पोलार्ड क्या 6 करोड़ के प्राइस से मानेंगे या फिर नहीं, कॉमेंट करके आप लोग अपना ओपिनियन जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है एक बार फिर से बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली की तरफ से। भारत की टीम नॉक्ड आउट हो चुकी है, लेकिन आप लोग सौरव गांगुली को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आईपीएल तो उन्हें कंडक्ट करवाना ही है और उस चीज के लिए सौरव गांगुली आईपीएल को कंडक्ट करवाने की तैयारियां भी स्टार्ट कर चुके हैं। कल एक इंटरव्यू में उन्होंने इस चीज को क्लियर आउट किया कि बीसीसीआई आईपीएल की तैयारियां जोरों शोरों से कर रहा है, इसके साथ ही आईपीएल 2022 में प्रॉपर ओपनिंग सेरेमनी भी हो सकता है आप लोगों को देखने को मिले। अभी बीसीसीआई प्लान कर रही है अगर सब कुछ ठीक रहता है तो एक फिजिकल ओपनिंग सेरेमनी कराई जाए, जो कि हमें लास्ट के दो आईपीएल से नहीं देखने को मिली थी, लेकिन अगर इस बार सब कुछ ठीक रहता है तो जरूर एक प्रॉपर ओपनिंग सेरेमनी करवाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के शेमफुल बिहेवियर को लेकर, जहां पर जब भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ था तो वहां पर भारतीय टीम की हार हुई थी, तो उसके बाद भारतीय क्रिकेट फैंस तो इस चीज को भूल ही चुके हैं बिल्कुल। और पाकिस्तान के फैंस तब से ही भारतीय टीम के हर एक मुकाबले में आप लोगों को पाकिस्तान की जीत से ज्यादा भारत की हार के बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये दिखाता है कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस पहली बार जिंदगी में कुछ जीते हैं, इस तरीके की हरकतें हमें देखने को मिल रही हैं। और अब ये शेमफुल बिहेवियर और भी ज्यादा हो चुका है क्योंकि अब ये भारतीय जो क्रिकेट टीम है उनकी फैमिलीज को भी ट्विटर पर ड्रैग करने लगे हैं और ये उनकी फैमिलीज की फोटोज और ट्वीट्स को कोट करके उनका रिप्लाई कर रहे हैं। और ये शेमफुल बिहेवियर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं हेट में कन्वर्ट हो चुका है। भारतीय जो फैंस हैं उनका जो हार्ट ब्रेक है वो तो एक तरफ है, लेकिन इस तरीके की हरकत करना, वो भी खासकर जब पाकिस्तान की टीम बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है, तो अपने प्लेयर्स के ऊपर ध्यान देने के बजाय दूसरे टीमों के डाउनफॉल पर उनको टारगेट करना, ये एक बहुत ज्यादा गलत चीज है, जो कि शायद टाइम के साथ इनको समझ आए। तो ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।